हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शंकर सभी को। तो कैसे हो सभी? तो भैया अभी बज गए हैं 12। मैं आया हूँ जॉब पे, थोड़ा सा काम है आज अंदर, तो चलते हैं। जैसे आपको आज बाहर का मौसम दिखाऊँ, बड़ा बेकार सा हो रहा है यार। सीरियसली सर्दियाँ सही रहती हैं यार, ये बरसात वाला मौसम ना, या तो वो गर्मियाँ हो जिसमें चिपचिप ना हो, ये चिपचिप वाला मौसम ना सीरियसली सहन नहीं होता है। तो चलते हैं अंदर। और वैसे मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं कल परसों और उसके अगले दिन मेरे शायद व्लॉग्स आएंगे नहीं। आप लोग कह रहे होंगे कि हाँ भाई, मैंने चैलेंज दिया है भाई, वो चैलेंज है 365 डेज़ का ही है, मैं 365 डेज़ व्लॉगिंग करूँगा ही करूँगा। हाँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ शायद नेटवर्क वगैरह नहीं होंगे और मेरे को टाइम भी नहीं लगेगा करने का, तो मतलब 2-3 दिन ओनली, उसके बाद दोबारा से करूँगा। कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बाकी समझ जाओ, ठीक है। आई नो चैलेंज इज़ चैलेंज, पर मैं हाँ 365 डेज़ करूँगा ही करूँगा, टेंशन मत लो, उसमें से 3 दिन कम नहीं होंगे, 365 डेज ही रहेंगे। तो चलते हैं अभी अंदर, देखता हूँ मैं यार क्या करना है क्या नहीं करना है अभी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी? मैं यार आया हूँ, मेरा मूड कर रहा था गेड़ी गुड़ी लगाने का, तो मैं गेड़ी गुड़ी लगा रहा हूँ। तो आप लोग बताओ कैसे हो सभी। वैसे आज मैंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा कि दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि जो सुखी बंदा है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो सुखी हो जाए। तो उन्होंने लिखा था कि ये समय गुजर जाएगा, मतलब वैसे ये समय गुजर जाएगा सुनने में तो एक मतलब बड़ा सही सा वर्ड लगता है ना, और मतलब इतना वो भी नहीं लगता है कि अट्रैक्टिव सा, मतलब कि कुछ ऐसा भी होगा इसमें, मतलब इसका इतना डीप मीनिंग है कि ये समय गुजर जाएगा। ठीक है, जो बंदा दुखी है वो हमेशा दुखी तो नहीं रहेगा, और जो सुखी है वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। एक बात और भी थी, मान लो आज मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो पूरा दिन कहीं गया भी नहीं, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स ही मतलब स्क्रॉल ऊपर कर रहा था। एक और बात कही किसी ने, तो वो भी बहुत सही थी। वैसे मैं वैसे बोल तो नहीं पाऊँगा जैसे उन्होंने बोला, तो मैं आपको सुना जरूर देता हूँ, तो ये सुनो। जब जेब में है पैसे तो लोग पूछते हैं आप है कैसे, जब हो जाओगे आप कंगाल कोई नहीं पूछने आएगा क्या है आपका हाल। When you have money people will ask you how are you, and when no money people will ask who are you, बस एक वर्ड बदलता है, हाउ का हु होता है बस, और दोनों का स्पेलिंग एक ही है, HOWWHO। तीन लेटर इधर उधर करना है, जेब में है पैसे। तो भाई इन्होंने बहुत सही बात कही है कि
पैसा अगर जेब में तो सभी हाल चाल पूछेंगे, और अगर पैसा जेब में नहीं है तो साला कोई कुत्ता तक नहीं पूछेगा। सही है, हाउ आर यू एंड हु आर यू, सही है। WHO तीन वर्ड हैं, यही उल्टे सीधे होते हैं, और पूरा मतलब मतलब कि वो आपने सुना होगा ना कि जज्बात पलट दिए, तो ऐसा ही कुछ होता है जब पैसा जेब में होता है और जब पैसा जेब में नहीं होता है। तो ये सब आजकल के ज़माने में ये सब पैसे का खेल है, सीरियसली अगर बोला जाए तो। मतलब देख, मतलब यहाँ तक मेरे को दिखता है, नोटिस भी किया है मैंने बहुत बार, ठीक है, पर अपने को ऐसा नहीं बनना है। हर चीज़ के पीछे पैसा नहीं लेके आना है, यहाँ पे हम खुशियाँ अपनी फीलिंग्स से खरीद सकते हैं ना, मतलब किसी को हंसा के खरीद सकते हैं, वो पैसे से नहीं खरीदी जाएंगी। तो हर टाइम पैसा पैसा नहीं होना चाहिए बंदे की जुबान पे, ये बात भी सही है। पर हाँ, आजकल के ज़माने में पैसा है पास तो जैसे उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं, और चलो ये तो ट्रुथ है लाइफ का। तो आपको तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी गेड़ी वेड़ी लगाते हैं, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है यार, देखो बादल आ गए हैं बाहर। वैसे ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, मतलब यहाँ पे वेस्ट कॉलोनी में गाड़ी यहाँ पे लगा के आराम से, बिल्कुल शांति है, बस पक्षियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें आती हैं बस, और लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं यहाँ पे, ऐसे वो सीख रहे हैं लोग, ड्राइविंग वगैरह भी सीखते हैं। तो चलते हैं अभी। हेलो, तो भाई ये है मेरी फेवरेट प्लेस, बादल आए हुए हैं तो कितनी शांति है, और ये अपना छोटा देखो कितनी शांति है, सही है यार। और बताओ आप लोग क्या चल रहा है, देख रहा हूँ मौसम कितना बेकार, देख रहा हूँ चमक रहा है पूरा फेस। और एक बात और यार, फाइनल चल रहा है भाई बिग बॉस का, एल्विश को वोट करो भाई, जितना वोट कर सकते हो वोट करो, टैप 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 वोट वोट वोट, आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो एक बंदे को वोट, घर में जितने आपके पास फ़ोन वगैरह हैं तो भाई आप टैप 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 करो और बढ़ाओ, वोटिंग करो, जिताओ महाराज को। मैं सोच रहा हूँ यार इन फ्यूचर मैं भी जाऊँ, मतलब एक बार एक्सपीरियंस करना, ये नहीं है कि मतलब फेम के लिए जाना या ऐसा कुछ, पर एक्सपीरियंस करना ही कि कैसा होता है, मतलब आप एक महीना या दो डेढ़ महीना काट रहे हो किसी मतलब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो कैसा हाउ इज, मतलब कि कैसे लोग मिलते हैं और कैसा एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो या सीरियसली बोलूँ मैंने कभी देखा नहीं था, अभी जब देखने लगा हूँ तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, कुत्ते सीरियसली यार। तो हाँ ठीक है, जो भी है मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है, तो भैया मेरी भी आर्मी इतनी बनाओ कि भैया मेरे को भी आ जाए फ़ोन फोन उनका कि भैया तुम भी आ जाओ तो ये सपना ही रह जाएगा मेरे को। वो एक चीज़ दिखाऊँ आरसीएम में ना, वो जो मतलब ये जो जगह है ना, ये जो ग्रीनरी सा इलाका देख रहे हो, वेस्ट कॉलोनी है ये, मतलब यहाँ पे बस ओनली फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, बस जानवर ही जानवर हैं, पिकॉक वगैरह, नील का ही होगी। तो मैं आपको पिकॉक भी दिखाता हूँ कहाँ, वो देखो वो दिख रहे हैं, अबे फोकस हो जा भाई, वो देखो, और इधर नील गायें भी हैं, वो देखो वो सामने होंगी, वो देखो छोटे छोटे जानवर बहुत, मतलब ऐसे वैसे मतलब प्यारे से जानवर बहुत हैं, जो मतलब कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कई होते हैं ना मतलब बड़े खूंखार,
टाइप वैसे कोई नहीं है। चलो अभी चलते हैं घर। मौसम चेक कर रहे हो कैसा हुआ पड़ा है, और वो देख रहे हो आप कौन जा रहा है, वो ये हमारे अंकुर साहब जी हैं। घर तो मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट जगह पे बैठने। और भाई बादल आ गए हैं, सुन रहे हैं आपको गड़ गड़ गड़, मेरे को लग रहा है बरसेंगे। तो चलो बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, यहाँ बैठ के ना सुकून सा मिलता है और माइंड सा फ्रेश हो जाता है, और यहाँ पे हवा भी चलती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे जैसे अभी बैठा ही हूँ और मतलब देखो हवा चलने लग गई है, देख रहे हो इसको भी अमरूद लग गए हो, देखो कितने बड़े बड़े हैं, देख रहे हो कितना मौसम, देख रहे हो कितना ख़राब हो गया है। कितना काला बादल है। और एक और चीज़ दिखाऊं आपको, अमरूद चेक करो कितने बड़े बड़े हैं, ये सारे खाने लायक हो गए हैं पता है। देखो भाई ले जाओ लूट लो लूट लो, बहुत सारे अमरूद हैं भैया आरसीए वालों, फ्री के अमरूद दे रहे हैं हम ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे हैं ये, हम इनको पानी देते हैं, हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे। लूटो, ऐसे ख़राब हो के गिरेंगे नीचे, उससे अच्छा बंदा खा ही ले, है ना, हम तो खाते नहीं हैं इतने। देखो कितने हर जगह लगे हुए हैं, कितने लगे हैं देखो, और ऐसा ही एक आगे है पेड़, वहाँ भी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो मैं खाता हूँ मस्त का। वैसे आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये घास काटने वाले की है, और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती है, मतलब उनके घर के आसपास घास है वो भी काट कटवा के दे रही है। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, वो देखो जी जितना भी घास है ना, बड़ा बड़ा जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा काटेगा ये। तो फिर हम लोग मतलब लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, हमें उनका साथ देना चाहिए। जैसे हम भी आते हैं उनमें कि हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सामान होता है खाने पीने का हम खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन उसको बाहर कर देते हैं। तो भैया इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी ना, तुम कह रहे हो गंदगी गंदगी गंदगी, तो गंदगी भाई हमारे से ही शुरू होगी, हम लोग ही उसको पकड़ेंगे और डस्टबिन में डालेंगे, वहाँ से ही शुरू होगी मतलब पहल जिसको कहते हैं। और सरकार के कुछ सरकार तो भैया बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देती है, सरकार का काम है तुम्हें बताना, इन्फॉर्म करना कि भैया ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है हमने तुम्हें ये भी दिया है ये भी दिया है, वो तुम्हें हर चीज़ देती है। और तुम लोग और हम लोग ऐसा करते हैं कि हाँ भाई खाना खाया, पहाड़ों में गए खाना खाया बाहर फेंक दिया, खाना खाया कोल्ड ड्रिंक पी बाहर फेंक दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देवभूमि तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं तो हूँ भी देवभूमि का, तो भाई हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और जितना भी गंद वगैरह है वो हमें डाल देना चाहिए डस्टबिन वगैरह में, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई, लड़का दिखाऊँ आपको, इसका नाम है फतेह। फतेह हेलो कर दे, इसका नाम था फतेह, बड़ा क्यूट है यार, मेरे पापा के साथ बातें करता रहता है, मैं कभी कभी मिलता हूँ इन बच्चों के साथ। चलते हैं अभी,
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना नहाना चाहिए, बहुत पसीना आ रहा है। चलो चलते हैं। तो भाई मैं शायद ही कल ना व्लॉग डालूँ, मतलब कंफर्म नहीं है, डाल भी सकता हूँ और ये भी नहीं है कि नहीं भी डालूँगा, कंफर्म नहीं है, पर ऐसा है कि 365 डेज डालूँगा ही डालूँगा, जैसा जो मर्ज़ी हो। जो मेरी काउंटिंग चल रही है वो भी एक महीना हो गया और काउंटिंग कंटिन्यू चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब हाँ एक दिन दो दिन स्किप हो गया, वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल। तो ऐसा है, ओम नमः शिवाय, ठीक है अभी सहन कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। जितने भी मेरे को देख रहे हैं, 50-60 लोग, 70-80 लोग जितने भी मेरे को देखते हैं, तो प्लीज़ सॉरी, कल और परसों का व्लॉग शायद नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा शायद, कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है। तो चलते हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। देखो पसीना कितना आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओम नमः शिवाय। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर, ओम नमः शिवाय। हंसते रहो, हंसाते रहो और खुश हो सभी। कीप स्माइल। तो सही है कि खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हर हर महादेव।